हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्फ फेशियल करना। तो घर में ही आराम से हम स्टेप बाय स्टेप फेशियल करना सीखेंगे। तो ये मेरे पास ममा अर्थ की फेशियल किट है जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन अब आ चुका है और करवा चौथ का जो व्रत है वो भी बिल्कुल पास ही आने वाला है, तो क्यों ना घर में ही हम फेशियल करें। तो ये जो ममा अर्थ का फेशियल है ये 2000 की रेंज में होता है सैलॉन्स में, तो इसको हम घर में ही आराम से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें नंबर 1 क्लींजनर और नंबर 2 स्क्रब और नंबर 3 पे है इसकी जेल और नंबर 4 पे है क्रीम, नंबर 5 पे इसका मास्क है और नंबर 6 पे फिर इसका मॉइस्चराइज़र है बाद में अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट फेशियल की किट है। ये एक बार ही यूज़ होने वाली फेशियल की किट है, तो आपको बहुत ही सस्ते में 300 में आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ममा अर्थ की मेरे पास फेशियल किट है। तो सबसे पहले तो हम इसका नंबर 1 यूज़ करेंगे जो कि है क्लींजनिंग मिल्क क्लींजनर है। तो इसको हमें कैसे यूज़ करना है, मैंने अपना जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन किया हुआ है, तो इसको हम ओपन करेंगे सबसे पहले। ये देखिए, और मैंने हाथ पे ही इसको डाल लिया है, तो सारे फेस पे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में हम अपने फेस को सबसे पहले क्लीन करेंगे। इससे हमारी जो भी डर्ट है वो बिल्कुल निकल जाएगी और हमारा जो फेस है वो फेशियल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आराम से ही घर में अपना फेशियल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल अपना घर में सैलून लाइक फेशियल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तो आपको भी सेल्फ फेशियल आराम से करना घर में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सारे फेस पे हम मसाज करते हुए ये क्लींजिंग मिल्क जो है वो यूज़ करेंगे। इससे हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये मैंने बिल्कुल साफ आरओ का पानी रखा हुआ है और थोड़ा सा पानी लगाते हुए फिर से एक बार हम मसाज करेंगे। इसको हम 5 मिनट तक करेंगे। तो इससे हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो ये 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम, ये देखिए, ये मैंने एक बाउल में साफ पानी में कॉटन रखा हुआ है, तो उसको हम पानी से निकालेंगे और उसके साथ अपने फेस को वाइप अप कर लेंगे। तो अब हमारी जो स्किन है वो फेशियल के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सारा क्लींजिंग मिल्क जो है वो हम साफ कर लेंगे। तो अब सेकंड जो इसका स्टेप है वो है स्क्रब। तो स्क्रब को हम कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, ये मैंने हैंड पे ले लिया है। ये आपको वैसे तो ये एक टाइम पे यूज होने वाली फेशियल किट है, तो लेकिन आप अगर तो आप सारी भी इसको यूज करें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ी सी रख सकते हैं क्योंकि इससे एक बार हमारा क्लीनअप भी हो सकता है। तो ये स्क्रब को हम थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाते हुए अच्छे से मसाज करेंगे फेस पे। आप ध्यान से देखिए कि कैसे मैं अपने हैंड्स को यूज कर रही हूँ फेशियल के लिए, और इसको थोड़ा सा हार्ड हाथों से करना है, थोड़ा सा जोर लगाना है ताकि हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। बहुत आराम से आप घर में ही फेशियल कर सकती हैं। जैसे कि फेस्टिव सीजन में तो सैलून या फिर पार्लर्स में बहुत रश होता है और मोस्टली बुकिंग ही करवानी पड़ती है, तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना और मनी वेस्ट किए बिना आप ये बिल्कुल सैलून लाइक जो फेशियल है घर में आराम से कर सकती हैं। और वैसे भी ये बहुत ही किफ़ायती भी रहता है क्योंकि 2000 रुपीज़ का ममा अर्थ का फेशियल है सैलून में, तो ये हमें अगर हम सेल्फ फेशियल करते हैं तो 300 में ही पड़ जाता है। तो बहुत ही किफ़ायती भी है और टाइम भी हमारा बचता है।
तो इसलिए हम सबको ही घर में सेल्फ फेशियल सीखना चाहिए। तो जैसे मैं अपना खुद का कर रही हूँ, वैसे ही देख के आप ये स्टेप्स यूज़ करके घर में फेशियल खुद से करें। ये देखिए, नोज़ के अराउंड और फोरहेड पे, सब जगह पे आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी है ताकि हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। तो ये हमारी जो स्क्रबिंग है वो हो चुकी है। ये 10 मिनट्स का प्रोसीजर है, स्क्रबिंग आपको 10 मिनट्स करनी है घड़ी के हिसाब से। ये देखिए, चीक्स पे अगर आपके कुछ ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स हैं तो आप ऐसे ये स्टेप करके उनको रिमूव कर सकते हैं। चिन पे अगर है तो, नोज पे हैं तो थोड़ा सा हार्ड हाथों से वो भी स्क्रबिंग से रिमूव हो जाते हैं। नेक एरिया को नहीं भूलना है। नेक एरिया भी सेम वैसे ही स्टेप, वहाँ पे भी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके यूज़ करने हैं। तो अब फ्रेंड्स, ये देखिए, कॉटन से हम जो स्क्रब की क्रीम है उसको रिमूव कर लेंगे और उसके बाद बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। अच्छे से कॉटन की हेल्प से ये सारे जो हमने स्क्रब यूज़ किया है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये मैंने रिमूव कर दिया है स्क्रब। तो काफ़ी क्लीन हो चुकी है हमारी स्किन आफ्टर स्क्रबिंग। और अब हम यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप जो कि जेल है। ये देखिए, बहुत ही प्रिटी सी ये सेफ्रन जेल है। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी गुडनेस हैं जो कि हमारी स्किन को चमकदार बनाएंगे। तो इसको भी हम पहले अपने ऐसे चीक्स पे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद मसाज करेंगे। ये देखिए, ये स्टेप्स आप ध्यान से देखें और उसके बाद अपनी स्किन पे ऐसे यूज़ करें। तो थोड़ा सा पानी लगाते हुए ये देखिए कुछ ऐसे ये स्टेप हमें करने हैं, जिससे कि ये जो क्रीम है हमारी अब्सॉर्ब हो जाएगी स्किन में और हमारी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो जाएगी। फोरहेड पे भी, ये देखिए, नोज़ के अराउंड भी, और ये बिल्कुल हमारी जो लिप लाइंस होती हैं वो क्लियर होती हैं, इससे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। ये स्टेप ज़रूरी होता है फेशियल में, इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप ध्यान से देख के इसको आराम से कर सकती हैं। एक तो इससे हमारी चीक्स जो हैं वो शेप में आती हैं और हमारे लिप्स के अराउंड रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, और फोरहेड पे भी करना है। तो ये भी 10 मिनट का हमारा प्रोसीजर होगा। 10 मिनट तक आपको जेल लगाकर मसाज करनी है। फोरहेड पे ऐसे करने से हमारे फोरहेड पे रिंकल्स नहीं आते हैं, और आईज के अराउंड करने से आईज की सभी प्रॉब्लम्स जैसे कि पफिनेस, डार्क सर्कल, ये सब रिमूव होते हैं। और ये फेस लिफ्टिंग का स्टेप है ऊपर की तरफ, इससे हमारी जो स्किन है वो जल्दी ढिलकती नहीं है और नीचे की ओर नहीं लटकती है। तो स्किन को ऊपर की तरफ करते हुए ये स्टेप आपको करना है। अब सर्कुलर मोशन में 10 मिनट तक आपको ये स्टेप्स करने हैं आफ्टर जेल अप्लाइंग। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे, इससे हमारी स्किन वाइब्रेट होती है। कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको ये बैक फिंगर से करना है। ये देखिए, लिप्स के ऊपर भी, इससे लिप्स के ऊपर भी हमारे रिंकल्स नहीं आते हैं।
नोज के अराउंड फोरहेड पे, और ये हमारी नेक लिफ्टिंग है, इससे हमारी जो गर्दन है वो भी बिल्कुल प्रॉपर शेप में रहती है और डबल चिन नहीं होती है ये स्टेप करने से। तो अब हम यूज करेंगे फोर्थ स्टेप, जिस जो कि है क्रीम। तो ये भी हम अपने हैंड पे निकाल लेंगे और इसको भी सारे फेस पे पहले अप्लाई करेंगे, नेक पे भी अप्लाई करेंगे और पानी हाथ में लगाते हुए इसको सारे फेस पे फैला देंगे और फिर से स्टेप्स स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये स्टेप जरूर करना है आफ्टर अप्लाइंग क्रीम, क्योंकि इससे हमारा फेस लिफ्ट होता है और हमारी जो एजिंग साइंस हैं वो बहुत ही डिले हो जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो ये जॉ लाइन को शेप में लाने के लिए ये स्टेप होता है जो फिंगर्स से हम करते हैं। देखिए ध्यान से, अच्छे से वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपना घर में परफेक्ट फेशियल कर पाएंगी, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और मनी भी बचेगी और बहुत अच्छा सा फील भी होता है जब हम खुद के लिए हाथ से कुछ करते हैं अपने हाथ से। तो बहुत आसान ये स्टेप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से खुद से घर में हो जाते हैं। देखिए लिप्स के ऊपर जरूर करना है ताकि हमारी जो लिप लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें, और ये वाइब्रेट स्किन को जरूर करना है, इससे हमारी स्किन जो है इसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बिल्कुल सही हो जाता है और हमारी स्किन में ग्लो आता है। तो अच्छे से मसाज करते हुए ये सारी क्रीम जो है हमें स्किन में एब्जॉर्ब करवा देनी है। ये भी 10 मिनट तक आपको कम से कम यूज़ करनी है क्रीम, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है या फिर बहुत रिंकल्स हैं तो आप क्रीम को 15 मिनट तक भी यूज़ कर सकती हैं। 15 मिनट पानी हाथ में लगा के इसका मसाज करें। ये देखिए नोज के अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फेशियल में, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल टाइट रहती है। अब ये जो सारी क्रीम है ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, इस हिसाब से हमें ये स्टेप्स करने हैं 10 या फिर 15 मिनट्स। बहुत आसान है घर में सेल्फ फेशियल करना, आप एक बार जरूर इसको घर में करके देखिए और देखिए कि कितना अच्छा आपकी स्किन पे ग्लो आता है। और ममाअर्थ की फेशियल किट तो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको सेल्फ फेशियल करना है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुई हैं जो कि आपकी स्किन को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए आफ्टर क्रीम काफ़ी अच्छा सा ग्लो मेरी स्किन पे आ गया है। और ये नंबर 4 है जो कि है मास्क, इसको ज़रूर अप्लाई करना है आफ्टर फेशियल। ये देखिए हम फिंगर से अप्लाई करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर है जो कि अच्छे से हमारी स्किन में ये देखिए ये फैल रहा है। तो
तो इसको फिंगर की हेल्प से हमें सारे फेस पे मास्क को अप्लाई कर देना है। सारे फेस पे इसको अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट्स तक इसको छोड़ देना है और इसके बाद साफ पानी से इसको रिमूव कर देना है। और हमारा फेशियल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जो फेशियल है वो हो चुका है। ये इसका लास्ट स्टेप है फेशियल का। तो ये हमने अप्लाई कर लिया है मास्क। तो अगर आपके पास बचा है तो थोड़ा सा आप इसको नेक पे भी यूज कीजिए। इससे हमारे जो पोर्स हैं ओपन हो चुके थे फेशियल के बाद वो क्लोज हो जाएंगे और स्किन जो है हमारी वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो ये मास्क जो है वो अप्लाई करने के बाद हमें 15 या फिर 20 मिनट्स के बाद फेस को साफ पानी से वॉश कर देना है। तो होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हमें कैसे फेशियल घर में आराम से करना है। तो आपका टाइम और आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरे चैनल में आपको ऐसी हेल्पफुल सी होम रेमेडीज़ या फिर फेशियल के स्टेप्स या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल में ऐसी मिलती रहेंगी। तो अब हम गीले कॉटन की हेल्प से ये सारा छुड़ा देंगे जो हमारा सूख चुका है मास्क। तो हमारा जो फेशियल है यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी ब्यूटी से रिलेटेड और स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप बनना चाहते हैं खुद के फैशन डिज़ाइनर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हाथों से मसाज करते हुए ये सारा जो मास्क है उसको हम छुड़ा देंगे। ये देखिए अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज करेंगे और इसके बाद फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये मैंने फेस को वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमें सोप यूज नहीं करना है, ओनली पानी से ही अपने फेस को वॉश करना है। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये मॉइस्चराइज़र है इसी फेशियल किट में, उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आपको आएगी घर में फेशियल करने से और बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा। आपका टाइम बचेगा, आपकी मनी बचेगी। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकती हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।